आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है। ये देखिए, ये गली का मंजर है, R29GR रोड, कोलकाता 24। ये देखिए आवाजें जो है आपको जोर जोर से, तकनीकी कारण की वजह से जो है लाइव थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी। ये देख सकते हैं आप धुआं किस तरीके से जो है निकल रही है यहाँ पर, और थोड़ी देर में जो है ये मामला पेश आया है। यहाँ स्थानीय लोग देख सकते हैं आप, तमाम लोग जो है मौजूद हैं और पैनिक सिचुएशन है, लोग गली में जो है आप देख सकते हैं। कितना बजे से हुआ भैया, कोई बता सकते हैं? यहाँ पे ऐसा हुआ, यहीं पे एक बैग वहाँ से आग निकलने लगा, हम लोग सब डरते हुए वहाँ से आए, भीड़ लग गई, आदमी लोग आ गया, सुबह से डिस्टर्ब हो रहा था, ये वाला लाइन सुबह से डिस्टर्ब हो रहा था, CSC आया देख के गया, फिर से प्रॉब्लम हो गया, फिर से आएगा। तो आप देख सकते हैं ओवरहीट के कारण जो है काफी जगहों पर जो इस तरीके के मामला आ रहे हैं, और आप गार्डन रिच के मस्जिद तालाब के करीब ये गली है, नियर हाई नियर मटिया ब्रुज कॉलेज मस्जिद तालाब लेन हुआ, ये जस्ट मटिया ब्रुज कॉलेज के करीब ये गली हुई है, और यहाँ आप देख सकते हैं, हटिए चचा थोड़ा, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये धुआं देख सकते हैं आप किस तरीके से आ रही है, थोड़े देर पहले जो है आग के चिंगारियां जो है निकल रही थी इस जगह से। आदमी काला हो गया, अबे वहां का आदमी काला हो गया। ये देखिए, और आवाम जो है इंतजार में है, CSC और तमाम जो पुलिस के इंतजार में। ये देखिए पुलिस की टीम आ रही है, सिविक वॉलंटियर्स। अच्छा सामने जा रहा है, सामने जा रहा है मेरा भाई। ये देख सकते हैं कोलकाता पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद। कैसी को बोल वहीं से पानी माने, ऐसी खोल के लगा देने। और मेरे सामने आप देख सकते हैं काफी सारे लोग मौजूद हैं। गर्मी के कारण जो है आग लगने की जो है खबरें घटनाएं काफी जगह से आ रही है, कहीं बसों में आग लग जाती है। दो दिन कबले जो है मीटर बॉक्स में, खजरपुर में भी इसी तरीके के जो है मीटर बॉक्स में आग लगी थी, जिसके वजह से पूरे इलाके में ब्रेकडाउन हो चुके थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं लोकल जर्नलिस्ट में, आपको मैं दिखा दूं कि सब सामने ही आ जाएगा। ये देखिए धूम, नहीं भाई ज्यादा सामने जाने का नहीं है, ज्यादा सामने जाने का नहीं है, देखो भाई बस। शाहरुख खान ने आग लगा दिया हर जे, मैं चिंता आ रहा है कि आग लग गया है। और आपको लाइव तस्वीरें जो है गार्डन रिच के मस्जिद तालाब के पास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। CSC की टीम जल्द से जल्द रवाना हो, धुएं के जो लपटे हैं निकलते जा रही है। पास में बाड़ी है, हम लोग रहते हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये पास में एक बड़ी सी बाड़ी है, इसके अंदर भी तमाम लोग रहते हैं, और जस्ट घर के करीब में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ओवरहीट के कारण जो है, ओवरहीट होने की वजह से जो है काफ़ी सारे जगह पर जो इस तरीके की घटनाएं होने की खबरें आ रही है।
और मैं आपको दूर से जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो दिन कबल जो है खजरपुर में भी इस तरीके की जो है घटनाएं पेश आई थी। मीटर बॉक्स में आग लगने की वजह से जो है पूरे इलाके में वार्ड नंबर 76 में जो है पूरा ब्रेकडाउन हो चुका था। रात के 2 बजे तक जो है लोड शेडिंग थी और इस वक्त जो है गार्डन रिच के मस्जिद तालाब लेन के पास जो है ब्रेक ओवरहीट के कारण जो है देख सकते हैं जमीन में जो केबल है केबल बर्स्ट हुआ है, जहां से जो है धुएं जो है निकलते हुए नजर आ रही है। आप देखिए और मौके पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, बच्चे आसपास बैठे हुए थे और जिस वक्त जो है इस तरीके की घटना हुई आवाज़ें आनी शुरू हुई और आग की जो है लपटे छोटी छोटी चिंगारियाँ जब निकलनी शुरू हुई तो तमाम लोग अलर्ट होकर बाहर आए, बाहर गली से बाहर निकले और आसपास के लोगों को सतर्क किया गया है। अब तक जो है मौके पर जो है सीएससी की टीम नहीं आई है। अभी आधा घंटा से ही हुआ है, अभी 15 मिनट पहले बम धुआं निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, खबर दिए थे फिर बंद हो गया, 14 देर बाद बंद हो गया, 14 देर बंद हो गया जी, लेकिन अभी हो गया, अभी हुआ, अभी ज्यादा हुआ, बहुत जोर जोर से आवाज आ रहा है। मैं भी वही देखकर रुक गया, गुजर रहा था तो अभी थोड़ा देर पहले फ्यूज भी चेंज किया, फिर फ्यूज भी चेंज किया गया। हां, फायर ब्रिगेड का ही फोन किए हुए 15 मिनट हो गया, लेकिन लोड सेटिंग वगैरह नहीं हुआ ना अभी। नहीं, लोड सेटिंग हो गया, कई फेज गया, कुछ फेज गया हुआ है। हां, दो तीन फेज कटा हुआ। तो आपको बता दूं गर्मी की शिद्दत, एक तो गर्मी की शिद्दत और ऐसे सिचुएशंस में जो है ब्रेकडाउन होना ओवरहीट के कारण का, हालांकि काफी जगहों पर जो है सरप्रस नहीं है भाई, द लोकल जर्नलिस्ट, ब्रेकडाउन होना ओवरहीट के कारण। आप देख सकते हैं जमीन से किस तरीके से जो है धुआं निकल रही है। हाँ, मैं बता दूँ मणिपुर पुलिस स्टेशन से जो ऑफिसर्स हैं वो मौके पर, और ये देखिए घरों से जो है लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ए बच्चा, उसका घर नीचे है भैया, बहुत उड़ रहा था, हम आज ना लाइट में आ रहा था, बहुत लेट से आया। और तो लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौके पर मौजूद है और आपको दिखा रही है कि मस्जिद तालाब लेन के पास जो है ओवरहीट होने के कारण जमीन पर जो केबल है उसमें आग लगने की खबरें आई हैं। छोटी छोटी धुएं के आग की जो लपटें बाहर आ रही थी और इस वक्त जो है स्मोक धुआं जो है लगातार जो है जमीन के अंदर से निकलते हुए नजर आ रही है। पब्लिक जो है पैनिक है, आवाम आसपास के जो लोग हैं वो पैनिक है, क्योंकि जिस तरीके का जो कंडीशन है इस कंडीशन से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और बाहर मौके पर मौजूद हैं। सीएससी फायर ब्रिगेड तमाम जगहों पर जो है कॉल किया गया है। इस वक्त मौके पर मटियापुर पुलिस स्टेशन की टीम भी मौजूद है, एक दो ऑफिसर्स मौजूद है होमगार्ड के साथ, और लेकिन जो है इंतज़ार में है कि सीएससी की टीम आए इस सिचुएशन पर और जो है इस पर जो है काबू पाए। और अब जो है धुएं के जो है धुआं आहिस्ते आहिस्ते हल्के हो रही है और तेज हो रही है, अभी कम हुआ, पहले जोर कम हुआ। सामने कीजिए कैमरा, धुआं निकल रहा है, सामने जाएगी केकेआर की टीम से, क्या बना दिया, जो पनौती है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग, इलाके के बाशिंदा तमाम जो लोग हैं वो रास्ते पर सड़कों पर मौजूद हैं। ये रास्ता आपको बता दूं जस्ट मेरे करीब जो है मीठा तालाब कहलाता है, गार्डन रिच का ये मीठा तालाब कहलाता है, और जस्ट सॉरी मस्जिद तालाब कहलाता है, और थोड़ी दूर में जो है मटिया ब्रुज कॉलेज मौजूद है, जस्ट उसके करीब जो है आप देख सकते हैं ओल्ड पीएस ओल्ड 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 ओल्ड
मस्जिद तालाब बड़ी मस्जिद के सामने ये वाकया हुआ है। करीब में आप देख सकते हैं ये देखिए मस्जिद तालाब लेन, ये मस्जिद तालाब लेन वार्ड नंबर 137 के करीब जो है ये मामला हुआ है। और जो धुआं जो है अब जो है करीब आहिस्ता हुआ है, एक तो जो शॉट मारी ना उसको एहसास हुआ, गोली से ये भी शॉट कर रहा, बहुत डेंजर आवाज हो रहा था। अरे बहुत थे आवाज धूमधाम, इसलिए हम लोग जा रहे थे गुजर। अच्छा कि आप भी कम से कम थोड़ा, नहीं नहीं मेरा हम इसलिए दिखा दिए कि सीएससी वगैरह जल्दी अच्छे में आ जाए, सोशल मीडिया का तो जमाना है। अपील का मैंने कहा उन लोग को तो आना चाहिए जो पोजीशन में, जल्दी से आना चाहिए। आधा घंटा आगे जो हुआ था वो बोल बताया तो आधा घंटा बाद फ्यूज लगाया, लगाने के बाद फिर वैसी हो गया सेम पोजीशन। लगातार ऐसे ब्रेकडाउन्स की जो है खबरें आ रही हैं शहर कोलकाता के अलग अलग जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से। मैं आपको बता दूं दो दिन कबल जो है खदरपुर के वार्ड नंबर 76 से भी ऐसे खबरें आई थी, मीटर बॉक्स में जो है ओवर हीटिंग शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लगने की वजह से जो है 137 ये हुआ। और यहाँ जो पूरे इलाके में ब्रेकडाउन हो चुके थे, रात के 1:30-2 बजे तक जो है लोड शेडिंग थे, लोग परेशान थे काफ़ी। हमारी टीम ने आपको दिखाई और इस वक्त जो है गार्डन लिस्ट के मस्जिद तालाब के पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मडियापुर के मस्जिद तालाब, जहाँ आप देख सकते हैं पीछे जो है शॉर्ट सर्किट कह लें एक तरीके से, ओवर हीट की वजह से जो है ज़मीन के अंदर से जो है केबल बस्ट होने की वजह से, देख सकते हैं आप आग के अब से थोड़ी देर कबल जो है आग की लपटें दिख रही थी, आग की चिंगारियां दिख रही थी, अब जो है वो स्मोक धुआं जो है आहिस्ते आहिस्ते जो है कम होता दिख रहा है। पहले इससे थोड़ी देर कबल जो है काफ़ी काले धुआं जो है भर चुके थे इलाके में। और मैं आपको बता दूँ ये जो है ये इलाका है मस्जिद तालाब लेन वार्ड नंबर 137 कोलकाता पौर संस्था। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट फर्दर अपडेट्स के लिए। मैं मोहम्मद इकबाल अबीब कोलकाता से, थैंक यू। और ये देखिए कोलकाता पुलिस की टीम मौके पर आ चुकी है, कोलकाता पुलिस की टीम मौके पर आ चुकी है। Thank you.